ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के द्वितीय पंचभूत विवेक प्रकरण में हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ शास्त्र वाक्य सदैव स्वमेदम अग्र आसीत, इसके आधार पे जो है वो तत्व का विवेचन हो रहा है। तो अब कैसे तत्व का विवेचन हो रहा है, क्योंकि वो तो वाणी और मन का विषय नहीं है, इसलिए कार्य के माध्यम से। कार्य है पंचभूत, उन पंचभूतों के विवेक के माध्यम से तत्व को का निर्णय यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे दिखाया गया माया का लक्षण आदि बता दिए, और वह माया परमात्मा के एक देश में, कल्पित एक देश में है। पूरे परमात्मा में व्याप्त होकर के माया नहीं रहती है, कि व्याप्त होकर के रहेगी फिर मुक्त लोग कैसे मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म को जान करके ही मुक्त होते हैं, निर्विशेष ब्रह्म तो बचा ही नहीं। तो ये बता दिए। कल के पाठ में 59वें श्लोक में आया माया को क्यों मानना चाहिए, तो ये बताया गया कि सत्तत्वम आश्रिता शक्ति कल्पये सति विक्रिया वर्णा भित्ति गताओ वित्तौ चित्रम नाना विधम यथा। जैसे भित्ति में जो हम लोग रंग वर्ण लगा दिए, तो वर्ण यानी कलर भित्ति में आश्रित होकर के ही उसी भित्ति में नाना प्रकार के चित्त की कल्पना कर देते हैं। पर्वत नदी नाले पहाड़ सब दिख सब दिखते हैं, मनुष्य पशु जंगल सब दिखते हैं उसमें चित्र में। इसी प्रकार वह जो सत्तत्व को आश्रय करेगी शक्ति माया शक्ति, सत्तत्व में आश्रित होकर के उसी सत्तत्व में नाना प्रकार के विकारों की कल्पना कर देती है। क्या क्या विकार बनाती है वो सब दिखा रहे हैं विवेचन के लिए। अब इसको दिखा रहे हैं श्लोक नंबर 60। तत्र प्रथमं कार्य विशेषं दर्शयति। उनके बीच में जो सबसे प्रथम कार्य विशेष है, उस कार्य विशेष को अवांतर जो विकार है, पूरा संसार उसका कार्य है, लेकिन उस संसार में जो अवांतर भेद है, तो सबसे पहला जो कार्य विशेष है उसको दिखा रहे 60वें श्लोक में। आद्यो विकार आकाश सुवकाश स्वरूपवान आकाशोस्तीति सत्तत्व माकाशेप्यनुगच्छति। आद्यो विकार आकाश, जो सबसे पहला विकार है वह है आकाश। आदौ भव भव इति आद्य, सबसे पहला विकार जो है आकाश हुआ। क्या है आकाश का स्वरूप? सो अवकाश स्वरूपवान, अवकाश दातृत्वम आकाशत्वम। आकाश का लक्षण जो अवकाश दे, अगर आकाश नहीं होता तो कोई जो है कहीं जगह थोड़ा सा हिलने डुलने के लिए भी जगह नहीं होती। भाई आकाश है, कमरे में आकाश है, तभी हम लोग इधर उधर कमरे के अंदर ही बैठे रहते, कहीं इधर जा सकते उधर जा सकते, बाहर बाहर आकाश है तभी बाहर घूम सकते हैं। शरीर के भीतर आकाश है, इसलिए उसमें रक्त संचार हो रहा है, भोजन खाते हैं पानी पीते हैं,
अगर पेट के भीतर आकाश ना हो तो भोजन कैसे जाएगा। ऐसे ही कमरे के भीतर आकाश ना हो तो उठ बैठ नहीं सकते हैं, बाहर आकाश ना हो तो बाहर नहीं घूम सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड जो है फिर आकाश, पहले माया के माध्यम से आकाश की कल्पना और आकाश में फिर ये पृथ्वी आदि जो है दिखाई पड़ रहे। तो सबसे पहला विकार है आकाश, उसका स्वरूप है सो अवकाश स्वरूपवान। अवकाश खाली जगह, खाली जगह स्वरूप वाला आकाश है। अवकाश, अवकाश जो देने वाला वही आकाश है। तब उस आकाश में आकाश ब्रह्म का कार्य, इसमें क्या प्रमाण है? आकाश ब्रह्म का कार्य इसमें प्रमाण है आकाशो अस्ति, ये जो अनुभव होता है आकाश है। जैसे मृतिका का कार्य घट है तो देखो ये मृतिका है, इसमें मृतिका है, मृतिका है घट, मृतिका है क्योंकि मृतिका से बना है। आभूषण सुवर्ण है क्योंकि सुवर्ण से बना है। इसलिए इसी प्रकार आकाश का ज्ञान होता है आकाशो अस्ति, आकाश है। सत अस्ति यानी सत्ता, सत की अनुगति आकाश में हो रही है। किसी भी कार्य में कारण की अनुगति होती है, यहाँ भी आकाश में सत तत्व की अनुगति हो रही है, इसलिए वह सद ब्रह्म का ही कार्य है। आकाशो अस्ति इति सत तत्वम आकाशे प्यनुगच्छति, आकाश है इस प्रकार के अनुभव से मालूम पड़ रहा है सत तत्व आकाश में भी अनुगत है, अनुस्यूत है सर्वत्र, इसलिए आकाश ब्रह्म का कार्य है। टीका में देख लीजिए, आद्य इति पहला विकार आकाश है, अवकाश स्वरूप वाला। तत्स्वरूपम सो आकाश वकाशवान स्वरूपवान, सो वकाश स्वरूपवान, वह अवकाश स्वरूप वाला है। आकाश से ब्रह्म कार्यत्व हेतु मह, आकाश ब्रह्म का कार्य इसमें क्या हेतु है तो बता दिए आकाश, आकाशो अस्ति, ये जो अनुभव हो रहा है आकाश है, इससे मालूम पड़ रहा है कि आकाश ब्रह्म का कार्य है। अगर ब्रह्म का कार्य नहीं होते तो अस्ति कैसे ज्ञान हुआ? अस्ति करके ज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन हो तो रहा है इसलिए ब्रह्म के कार्य है आकाश है। ततः किम, इससे क्या सिद्ध हुआ? अब इसे क्या शुद्ध सिद्ध हुआ? देखो विवेचन करने के लिए अब सब देखिए दोनों में भेद दिखाएंगे, दोनों में अंतर क्या है इसको दिखा रहे हैं श्लोक नंबर 61। एक स्वभाव सत्तत्व माकाशो द्विस्वभावक, नावकाश सति व्योम्नि, सचैषोऽपि द्वयं स्थितम्। एक स्वभाव सत्तत्वम्, सत्तत्व का एक ही स्वभाव है, वो सत स्वभाव वाला है, त्रिकाला बाध्य सत्ता स्वरूप है, ऐसी सत्ता जिसका कभी बाध नहीं होता। तो जो सत्तत्व है एक स्वभाव वाला है, सदरूप है वो, और उसका कोई दूसरा रूप नहीं है, वो दूसरा कोई स्वभाव नहीं, एक ही स्वभाव है। किंतु आकाश दो स्वभाव वाला है, आकाश में सत्ता भी मालूम पड़ रही है और उसमें अवकाश भी, अवकाश दातृत्व भी, अवकाश स्वरूप भी मालूम पड़ रहा है। जैसे सुवर्ण में रूप आदि नहीं मालूम पड़ रहा है, किंतु वही जब आभूषण रूप से परिणत हो गया तो एक विशेष आकृति आ गई, तो सुवर्ण जो है उसमें सुनहला है, भास्वर शुक्ल रूप है सुवर्ण में इतना, लेकिन उसमें एक विशेष आकार आने से आभूषण कहें, आभूषण में भास्वर शुक्ल रूप भी है, चमकदारो भी है और उसमें एक आकृति भी है, लेकिन केवल सुवर्ण जो है उसमें विशेष आकृति नहीं है और लेकिन भास्वर शुक्ल रूप तो है। ऐसे यहाँ पे सत तत्व में सदरूपता तो है, लेकिन आकाश में दो आ गया, एक सदरूपता तो पहले से है कारण का, और आकाश का अपना जो अवकाश देना, अवकाश स्वभाव, खाली स्थान दे देना, ये जो है आकाश का अपना स्वरूप। तो अब इसी को देख रहे सत आकाशो द्वि स्वभाव का, एक स्वभाव सत तत्व आकाशो द्वि स्वभाव का,
नावकाश सती व्योमनी, सती सती अवकाश नास्ती, सत यानी जो परमात्मा है उनमें अवकाश नहीं है, उनमें खाली जगह नहीं है, लेकिन आकाश में व्योम में व्योमनी व्योम आकाश में तो दोनों ही है। स चैसोपि द्वयम स्थितम, स यानी सत स्वभाव भी है और ऐसे यानी अवकाश खाली स्थान देना, ये दोनों ही स्वभाव है व्योम में आकाश में। तो सत में तो एक ही आया अवकाश आया, लेकिन व्योमनी स च एसोपि, स यानी सत स्वभाव और ऐसे यानी अवकाश, ये दोनों ही द्वयम स्थितम, दोनों के दोनों स्थित है। इस तरह से व्योम में दो स्वभाव आ गया, आकाश में सत में एक ही स्वभाव है, इस तरह से अंतर दोनों में मालूम पड़ा। टीका में देखिए एक इति उक्तम अर्थम विशदयति, उक्त अर्थ को स्पष्टीकरण कर रहे हैं नावकाश। सति सद्वस्तुनि, जो सद्वस्तु है परमात्मा है उसमें अवकाशो नास्ति, अवकाश नहीं है, खाली जगह नहीं है। वो तो प्रज्ञान घन श्रुतियों में कहा गया है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञान घन, तो प्रज्ञान घन कहा गया है, यानी बिल्कुल कुछ कोई इसमें अवकाश नहीं, एकदम ठोस ज्ञान स्वरूप, इसमें कोई जो है खाली जगह नहीं। ऐसा अच्छिद्रम, इसीलिए कई जगह आता अच्छिद्रम अबाह्यम, उसमें कोई बाहर नहीं, कोई भीतर नहीं, कोई छिद्र नहीं, इसलिए वो श्रुतियाँ भी कह रहे हैं कि उसमें कोई जो है अवकाश नहीं है, प्रज्ञान घन रूप है। इसलिए सति यानी सद वस्तुनि अवकाशो नास्ति, अवकाश नहीं है, खाली जगह नहीं है, किंतु सत स्वभाव एक एव, एक सत स्वभाव ही है उसमें। आकाशे तु, किंतु आकाश में दो है, सच और एसो, सत स्वभावश्च एसोपि अवकाश स्वभावोपि, सत स्वभाव भी और अवकाश स्वभाव दोनों भी है। इति द्वयम स्थितम विद्यते, दोनों के दोनों स्थित है, दोनों के दोनों विद्यमान है। इस तरह से दोनों में अंतर आ गया, एक में एक स्वभाव है, दूसरे में दो स्वभाव आ गया। कार्य में तो और गुण बढ़ते जाते हैं ना, गुणों को लेकर के स्थूलता आती है, जहाँ गुण कम होते जाएंगे स्थूलता कम रहेगी, गुण हटते चले गए निर्गुण अवस्था में, कोई गुण नहीं तो निर्गुण हो गए, गुण बढ़ते जगह तो सगुण, सगुण स्थूलता बढ़ती जाती है। आगे देखिए सद आकाश और एक द्विस्वभावत्वम प्रकारेण व्युत्पादयति, सद और आकाश ये दोनों को एक एक और दो स्वभाव वाला है, सद एक स्वभाव वाला है, आकाश दो स्वभाव वाला है, तो सद और आकाश में एक स्वभावत्व द्विस्वभावत्व है क्रम से, इसको अन्य प्रकार से इसका व्युत्पादन करा रहे, बोध करा रहे, व्युत्पादयति बोधयति, बोध कराते हैं। 62वां श्लोक देख लीजिए। यद्वा प्रतिध्वनिर्व्योम्नो, गुणो नाशो सती क्षते, व्योमनी दौ सध्वनि तेन सदेकं द्विगुणं वियत्। यद्वा यद्वानि अथवा प्रतिध्वनिर्व्योमनो, आकाश का गुण है प्रतिध्वनि, हम लोग ध्वनि करेंगे तो उधर से वापस आएगा, जैसे कोई गुफा है, कोई पहाड़ बड़ा पर्वत है, जोर से आवाज वहाँ करेंगे हमारी आवाज़ वापस आएगी, ये जो प्रतिध्वनि वापस आ रही आवाज़, प्रतिध्वनि जोर से चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे मैं मनुष्य हूँ, वापस आवाज़ आएगी मैं मनुष्य हूँ, इस तरह से ये प्रतिध्वनि जो है ये व्योमनो गुणो, आकाश का गुण है, आकाश में है, आकाश का ये शब्द है। नासो सती क्षते, ये जो प्रतिध्वनि रूपी जो शब्द है सत्तत्व परमात्मा में नहीं है, नहीं जाना जाता, नहीं देखा जाता, नहीं उपलब्ध होता, इसलिए व्योमनी दो, इस तरह से व्योम में दो हो गए, एक तो प्रतिध्वनि और एक सत्ता, व्योमनी दो सद्ध्वनि, सत्ता और ध्वनि। पिछले कल्प में क्या अन्य प्रकार से किए थे, एक तो सत स्वभाव है, दूसरा अवकाश, आकाश में दो हो गए, यहाँ पे कह रहे नहीं,
एक तो हो गया प्रतिध्वनि रूपी शब्द और दूसरा हो गया सत्व सत्ता सद्रूपता। तो सद और ध्वनि व्योमनी दो सद ध्वनि तेन सद एकम द्विगुणं विवद वियत। तो सत्व तो एक ही है, उसमें सत्ता स्वभाव है, एक स्वभाव वाला हो गया, और वियत आकाश दो गुण वाला है, दो गुणों यस्य, तो दो गुण वाला हो गया आकाश। इस तरह से दोनों में अंतर हो गया। टीका में देख लीजिए, यद्वा इति प्रतिध्वनिर्व्योमनो गुण इति उपपादितम अधस्तात्। आकाश का गुण है प्रतिध्वनि, इस बात को इस द्वितीय प्रकरण के आरंभ में ही दिखा दिया गया है, द्वितीय प्रकरण में शुरू में ही आ गया था, शुरुआत में ही श्लोक था, तीसरा श्लोक में भी आ गया था। प्रतिध्वनिर्वियत शब्दो वायो बीसीति शब्दन, वियत का शब्द क्या है प्रतिध्वनि, वापस उल्टा आवाज आएगी। तेजो प्रतिध्वनि व्योमनो गुण इति उपपादितम अधस्तात्, ये पूर्व में इस बात का उपपादन कथन कर दिया गया है। असौ प्रतिध्वनि सद्वस्तुनि नोपलभ्यते, ये जो प्रतिध्वनि है सद्वस्तु परमात्मा में उपलब्ध नहीं होती, उनका ज्ञान नहीं होता, नेक्षते नोपलभ्यते, उसमें परमात्मा में उसका इच्छण ने उसका ज्ञान नहीं होता, उपलब्धि नहीं होती। व्योमनी तो किंतु आकाश में तो सद्ध्वनि सत् शब्द उभौ अपि उपलभ्यते, आकाश में सत्ता भी है और शब्द भी है, दोनों के दोनों उपलब्ध हो रहे हैं, ज्ञान उनका ज्ञान हो रहा है। तेन कारणेन इस कारण से सत एक स्वभाव, सत क्या हो गया एक स्वभाव, सत्ता रूप त्रिकालाबाध्य सत्ता एक जैसी ही है, परमात्मा तो एक रस है, एक जैसी है, एक स्वभाव वाले हैं। वियत द्विगुण किंतु वियत तुम्हें दो गुण वाला हो गया, सब सत्ता तो है ही, शब्द भी प्रतिध्वनि रूपी शब्द भी हो गया, तो द्विगुण यानी द्विस्वभाव कम दो स्वभाव वाला हो गया, इस तरह से ये बताया। तो अब यहाँ आगे दे रहे हैं और भी कुछ शंका समाधान करेंगे। ननु आकाशस्य सद ब्रह्म कार्यत्वे आकाशस्य सत्ता इति सता आकाश धर्मिता कुतः प्रतिभाति। देखिए कोई भी जो कार्य होता है, जैसे मृत्तिका से घट, मृत्तिका से घट बना है, मृत्तिका का कार्य है भाई, जैसे लोक में पिता से पुत्र, ये थोड़ी कहा जाता है पुत्र से पिता, पिता से पुत्र कहा जाए, पुत्र से पिता नहीं कहा जाता, माता से पुत्र, माता पुत्र से माता ऐसा नहीं कहा जाता, पुत्र से माता नहीं हुई, माता से पुत्र हुआ है। ऐसे आकाश जो है सद ब्रह्म का कार्य है, तो आकाश से सत्ता इति सता आकाश धर्मता कुतः भाति। जब आकाश सद ब्रह्म का कार्य है तो आकाश में सत्ता ऐसा कैसे भान हो रहा है, सत्ता में आकाश ऐसा भान होना चाहिए, सत्ता तो व्यापक है, उसमें आकाश कल्पित हुआ माया के माध्यम से, तो हमें क्या मालूम पड़ना चाहिए था सद में आकाश, ये नहीं मालूम उल्टा नहीं कि आकाश में सत्ता, भाई सत्ता जो है धर्मी है, आकाश का कारण है, वो आकाश का धर्म कैसे बनेगा, आकाश की सत्ता क्यों प्रयोग होता है, यही शंका उठा रहे कि आकाश से सद ब्रह्म कार्यत्वे आकाश से सत्ता इति सता आकाश धर्मता कुतः प्रतिभाति। आकाश अगर सद ब्रह्म के कार्य है तो आकाश में सत्ता, आकाश की सत्ता, ये कैसे मालूम पड़ता है, आकाश में सत्ता का ज्ञान कैसे हो रहा है, इति सत्ता आकाश धर्मता कुतः प्रतिभाति। सत्तत्व आकाश का धर्म है, आकाश में सत्ता ऐसा ज्ञान हो रहा है, तो ऐसा भान क्यों होता है, परमात्मा सत्तत्व तो धर्मी है, आकाश का धर्म कैसे बनेगा, धर्मी को ही धर्म थोड़ी बनेगा, जैसे मालिक नौकर का अभी नौकर बन जाए, ऐसा नहीं होता है, नौकर अलग है मालिक अलग है, और मालिक जो है स्वामी जो है नौकर का भी नौकर बन गए, इसी प्रकार सत का कार्य आकाश और मालूम क्या पड़ रहा है आकाश की सत्ता, आकाश में सत्ता, तो विपरीत ज्ञान क्यों हो रहा है, तो कुतः प्रतिभाति, सत में आकाश धर्मता का कैसे भान हो रहा है, इत्याशंका, ऐसी आशंका को उत्थापन करके समाधान दे रहे 63वें श्लोक में। या शक्ति कल्पयेत व्योम,
सासद व्योमनोर अभिन्नताम। आपद्य धर्म धर्मित्वं व्यत्ययेनावकल्पयेत्। या शक्ति कल्पयेत व्योमना व्योम, जो माया शक्ति या माया शक्ति व्योम कल्पयेत, जो माया शक्ति आकाश की कल्पना करती है, जिस माया शक्ति से परमात्मा में आकाश की कल्पना हो जाती, आकाश बन जाते, वही माया शक्ति विपरीत ज्ञान भी करा देती है। सा सद व्योमनोर अभिन्नताम आपद्य, वही माया शक्ति सद और व्योम में अभिन्नता का आपादन करा के, अभेद का आपादन करा के, कार्य कारण में अभेद का आपादन करा के धर्म धर्मित्वम व्यत्ययेन अवकल्पयेत, और धर्म धर्मी भाव को विपरीत रूप से कल्पित करा देती है। जिसको जो धर्म है उसको धर्मी बना देती है, धर्मी को धर्म बना देती है। ये तो लोक में देखिए प्रसिद्ध है, राजा को जो है गरीब हो गए, गरीब राजा हो गया, गरीब अमीर हो गया, अमीर गरीब हो गया, ये तो देखा ही जाता है, ये तो बहुत देखा गया है। और यहाँ भी देखिए कि जो है धर्मी को धर्म बना दिया, धर्म को धर्मी बना दिया। जिसमें धर्म रहे उसे कहते धर्मी। जैसे कपड़े में लाल रंग रह रहा है, कपड़े में वस्त्र में रक्त रूप है, रक्त रूप हो गया धर्म, और कपड़ा जो वस्त्र है वह हो गया धर्मी। तो सद ब्रह्म तो कारण है, ब्रह्म में कल्पित हुआ आकाश, आकाश सद का धर्म होना चाहिए, लेकिन आकाश की सत्ता ऐसा विपरीत व्यवहार क्यों हो रहा, आकाश में सत्ता ऐसा विपरीत व्यवहार क्यों हो रहा है। तो यही बात बता रहे कि जो शक्ति आकाश की कल्पना करती है सत तत्व में, जो माया शक्ति सत परमात्मा में आकाश की कल्पना करती, वही शक्ति सद व्योमनोर अभिन्नताम आपद्य, सद और व्योम में अभेद की कल्पना करा के, आपादन करा के धर्म धर्मित्वम व्यत्ययेन अवकल्पयेत, धर्म धर्मी भाव को विपरीत रूप से कल्पना करा देती, विपरीत मालूम पड़ जाता है। आकाश में सत्ता होना चाहिए तो सत में आकाश, लेकिन क्या भान हो रहा है, आकाश में सत्ता। इस तरह से माया क्या नहीं कर सकती, इसलिए तो अन्यत्र अघटित घटना पटी ऐसी माया, ये माया जो है अघटित घटना को दिखा देती है। बताओ जिस रस्सी में सर्प कभी हो नहीं सकता, वहाँ सर्प दिखता है, सुक्ति में रजत मालूम पड़ता है, मरुभूमि में जल का ज्ञान होता है। ये जो समाया शक्ति है सद और व्योम में आकाश में अभिन्नता की कल्पना करा के धर्म धर्मी भाव को विपरीत रूप से कल्पना करा देती है, इसलिए आकाश में सत्ता ऐसा ज्ञान होता है, न कि सत्ता सद में आकाश ऐसा ज्ञान नहीं होता, विपरीत ज्ञान करा दिया। टीका में देख लीजिए, या शक्ति या माया, जो माया शक्ति, शक्ति यानी कौन सी शक्ति है, या माया शक्ति, सद वस्तुनि आकाशम कल्पयति, सद वस्तु में आकाश की कल्पना करा देती है, कल्पित कर देती है। सा प्रथम तव, माया शक्ति पहले क्या करेगी, सबसे पहले सद व्योमनोर अभेदम कल्पयित्वा, कार्य कारण में अभेद की कल्पना करा के, सद और व्योम में अभेद की कल्पना करा के, पश्चात तद धर्मी धर धर्म धर्मी भावम वैपरीत्येन कल्पयति, बाद में वो जो धर्म धर्मी भाव को विपरीत रूप से कल्पना करा देती, धर्म को धर्मी बना देती, धर्मी को धर्म बना देती। लोक में भी देखिए हम लोगों को क्या मालूम पड़ता है कि आभूषण में सुवर्ण, जबकि मालूम पड़ना चाहिए था सुवर्ण में आभूषण, हम लोग के मालूम पड़ना चाहिए था सुवर्ण में आभूषण, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, इस आभूषण में सुवर्ण है, आभूषण में सुवर्ण कम है ज्यादा है, ये बोलते हैं। तो विपरीत देखो हम लोगों का वही संस्कार है, विपरीत जो है हम लोग बोलते, जबकि होना चाहिए सुवर्ण में आभूषण, विपरीत लेकिन भान होता है। तो ये जो माया शक्ति है धर्म धर्मी भाव को विपरीत रूप से कल्पना कर देती है, अतः आकाश से सत्ता इति भानम उपपद्यते, इसलिए आकाश में सत्ता है, ये जो भान है संभव है माया की वजह से, माया ने विपरीत भाव कर दिया।
इसलिए विपरीत भाव बहुत जगह देखा जाता है। तो इस बात को देखिए, लौकिक उदाहरण लौकिक लोग मानते हैं और तार्किक लोग तर्कशास्त्र पढ़ने वाले भी मानते हैं। देखिए इसको बता रहे, माया या वैपरीत्यम कथम कृतम, माया में विपरीत, माया में माया वैपरीत्यम कथम कृतम, माया के द्वारा विपरीतता विपरीत कैसे कर दिया गया, कैसे ने माया ने विपरीत कर दिया इसको, इत्याशंका, इस तरह से आशंका को उत्थापन करके बता रहे कि माया किस तरह से विपरीत कर देती है। तो इसी बात को श्लोक नंबर 64 देखिए, ततो व्योमत्वमापन्नं व्योम्न सत्तां तु लौकिकः तार्किकाश्चावगच्छन्ति मायाया उचितं हि तत्। सतो व्योमत्वम आपन्न, जो सत तत्व है आकाश भाव को प्राप्त कर लिया, व्योमता व्योमत्वम आपन्न जो आकाश रूपता को प्राप्त कर लिए है, तो परमात्मा आकाश रूप को प्राप्त की, लेकिन लौकिक लोग क्या कहेंगे, व्योमना सत्ताम अवगच्छन्ति, आकाश में सत्ता, सत में व्योम भाव आया, लेकिन लौकिक लोग लौकिक प्राणी क्या कहेंगे कि आकाश में सत्ता, ऐसा लौकिक लोगों को ज्ञान होता है तार्किकास्य। और केवल लौकिक लोग नहीं, जो तर्क शास्त्र पढ़ने वाले वो भी कहेंगे आकाश में सत्ता है, वो कहेंगे जाति सत्ता जाति कहाँ कहाँ रहती है, नैयायिक लोग कहते हैं कि सत्ता जाति तीन जगह, द्रव्य गुण कर्म तीन में सत्ता, द्रव्य में भी सत्ता रहेगी, गुण में भी सत्ता रहेगी, कर्म में भी सत्ता रहेगी, इस तरह से मानते हैं। तो कोई भी द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सब सत्य उसमें सत्ता रहती है, आकाश भी द्रव्य है उसमें सत्ता रहती है। नहीं, लौकिक मतलब जो शास्त्र कुशल नहीं है लौकिक प्राणी लोग, चारवाक नहीं लेना है, लौकिक प्राणी लोग कोई जो शास्त्र कुशल नहीं, और तार्किक मतलब जो तर्क शास्त्र तर्क दर्शन न्याय दर्शन वाले, तो लौकिक प्राणी लोग जो शास्त्र संस्कार से रहे तो लोग भी कहते हैं आकाश में सत्ता है, आकाश सत्य है, आकाश है, आकाश है, कोई भी कहेगा आकाश में सत्ता है, और तार्किक भी कहते हैं, तार्किक लोग कहीं कहीं तो सही मानते हैं, कहीं कहीं जैसे वो कहेंगे देखिए हम लोग क्या कहते हैं, इस वृक्ष में शाखा है, पत्ते है, फल है, जड़ है, लेकिन तार्किक लोग नहीं कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, वृक्ष में जड़ नहीं, बल्कि जड़ में वृक्ष है, पत्ते में वृक्ष है, शाखा में वृक्ष है। सीधी सी बात हम लोग क्या कहें, हमारे शरीर में हाथ है, पैर है, हमारे शरीर में हाथ पैर नाक, लेकिन वो लोग क्या कहेंगे नहीं, सिर हाथ पैर में शरीर है, क्योंकि सिर को अलग कर दो, हाथ को अलग कर दो, पैर को अलग कर दो, शरीर कहेंगे क्या, तो ये जो है अवयव जुड़ करके ही अवयवी बनता है, अनेक अवयव मिल करके ही अवयवी बनता है, इसलिए अवयव अवयवी का अधिकरण है, हाथ पैर सिर ये सब जो है शरीर के अधिकरण है, क्योंकि ये अवयव है, अवयव जुड़ करके ही अवयवी वस्तु बनती है। इसी प्रकार वृक्ष, वृक्ष में पत्ता नहीं, वृक्ष वृक्ष में पत्ते, वृक्ष में शाखा, वृक्ष में जड़ नहीं, बल्कि पत्ते में वृक्ष, शाखा में वृक्ष, ऐसा जो है समवाय संबंध से रह रहा है, रहते हुए उत्पन्न होता है, कपाल में घट समवाय संबंध से रहकर समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, तो कपाल अधिकरण है, घट उसमें उत्पन्न हुआ, कपाल कपाल जुड़ करके, तो कपाल ऐसे इस तरह समवाय संबंध से वो अधिकरण हुआ, ऐसा मानते हैं, तो कहीं कहीं वो ठीक मानते हैं, लेकिन ये जो है यहाँ तो बिल्कुल उल्टा, आकाश में सत्ता, तर्क इतना न्याय शास्त्र जानने वाले भी इस तरह से विपरीत ज्ञान है, जबकि सद ब्रह्म में ही पूरा जगत कल्पित है, तो कैसे इतना हो गया, इतना इतना बड़ा विपरीत ज्ञान कैसे हो गया, बोले माया या उचितम हितत, जो विपरीत ज्ञान हेतु हेतुता
विपरीत की विपरीत दर्शन का जो हेतु बन रही है तो माया में उचित ही है। माया क्या नहीं करा सकती, बताओ। सच्चिदानंद को बद्ध बना के घुमा रही, जो सच्चिदानंद स्वरूप है वही बंधन में बद्ध होकर के घूम रहा है, बंधन का अनुभव कर रहा है। माया क्या नहीं कर सकती, माया जो है विपरीत, कितना विपरीत कर देती है। तो माया में उचित ही है विपरीत व्यामोह कर देना। टीका में देखिए, सत इति वस्तु तत्व विचारे क्रियमाणे, वस्तु तत्व का विचार करने पर मृदो घट रूपत्वम इव सतो व्योमत्वम आपन्नम। जैसे मृतिका जो है घट रूपता को प्राप्त हुई है, मृतिका ही घट बनी है, ऐसे ही घट रूपत्व में सतो व्योमत्वम आपन्नम, सद भी व्योम रूपता को प्राप्त किया हुआ है, यानी सद रूप सद वस्तु न आकाश रूपत्वम प्राप्तम। जो सद वस्तु में आकाश रूपता की प्राप्ति, सद वस्तु आकाश रूपता को प्राप्त की, सद वस्तु ही आकाश रूप से यहाँ दिख रही माया से आकाश रूपता को प्राप्त की। सद वस्तु का विवर्त है, लेकिन लौकिक लोग, लौकिका प्राणी ने, जो लौकिक प्राणी लोग है, साधारण जो है लौकिक ज्ञान वाले लौकिक प्राणी लोग है, और शास्त्री सुमध्य तार्किका, और शास्त्रों के बीच में जो शास्त्र ज्ञान वालों के बीच में तार्किक लोग है, तर्क कुशल है, न्याय दर्शन वाले, ये लोग विपरीत सद वस्तु में आकाश नहीं, वैपरीत्येन व्योमनो गगनस्य धर्मिणः सत्नाम, विपरीत रूप से व्योम जो गगन है, जो धर्मी है, उसमें सत्ता रूपी धर्म को वो लोग मानते हैं। सत्ताम सदरूप धर्म जातिम च अवगच्छन्ति, सदरूप धर्म रूपी जाति को, सदरूप धर्म रूपी जाति को मानते हैं आकाश में। इसी प्रकार केवल आकाश नहीं, द्रव्य गुण कर्म सभी में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा मन, और जितने जो है 24 गुण है, 5 प्रकार के कर्म है, कर्म भी वो लोग 5 प्रकार के मानते, ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, आकुंचन प्रसारण, फैलाना, सिकोड़ना, गमन, 5 में ही सबका अंतर्भाव हो जाएगा। इनमें भी सत्ता मानते हैं, 24 गुण मानते हैं, तो इसी आकाश भी एक सत्ता द्रव्य है, धर्मी है, उसमें वो लोग सत्ता यानी सदरूप सदरूप धर्म जाति च अवगच्छन्ति, सदरूप धर्म जाति को भी वो मानते हैं विपरीत रूप से, तो तार्किक लोग भी ऐसा जानते हैं। फिर बोले ऐसा कैसे हो गया, ननु अन्यस्य अन्यथा प्रतीति अनुपन्न, अन्य में अन्य प्रकार की प्रतीति होना है तो बिल्कुल संभव नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा। इत्याशंका, ऐसी आशंका को उत्थापन करके बता रहे कि नहीं, ये माया के माया में तो ये उचित ही है, माया से ऐसा विपरीत दर्शन होना, ये माया में विपरीत दर्शन कारण था उचित ही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही माया है, या मा साया माया, जो है ही नहीं, ना हो करके भी परेशान कर रही, वही है माया। तो इसलिए तद विपरीत दर्शन हेतुत्वम माया युक्तम इत्यर्थ, वो जो विपरीत दर्शन की हेतुता है या माया में कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल कोई गलत नहीं है। माया या विपरीत दर्शन हेतुत्वम लौकिक न्याय प्रदर्शनेन स्पष्टीकरोति, माया में विपरीत प्रतीति हेतुता, विपरीत ज्ञान की हेतुता लौकिक न्याय को दिखा करके, लौकिक युक्ति नियम को दिखा, नियम के प्रदर्शन के द्वारा इसको स्पष्ट कर रहे हैं अगले श्लोक में, 65 श्लोक। यद यथा वर्तते तस्य तथा त्वं भाति मानतः अन्यथा त्वं भ्रमेणेति न्यायोऽयं सार्वलौकिकः। यद यथा वर्तते तस्य, जो वैसी जो वस्तु जैसी है, यद यथा वर्तते, यद वस्तु यथा वर्तते, तस्य तथात्वं मानतः भाति, उसकी तद्रूपता, जैसे सामने वृक्ष खड़ा है, अब आपको वृक्ष वृक्ष रूप में ही दिखाई पड़े तो आपका ज्ञान ठीक है,
ये जो सामने वृक्ष है वृक्ष रूप ही दिखेगा, कैसे दिखेगा, प्रमाण से, मान यानी प्रमाण, मानता यानी प्रमाणता, मांग माने धातु से, मान यानी प्रमाण, तो प्रमाण से आपको वस्तु जो है ठीक ठीक दिखेगी। तो प्रमाण क्या है, छह प्रमाण वेदांती मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति। प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिया, आपकी चक्षु में कोई दोष नहीं है तो आपको सामने की कोई भी वस्तु ठीक ठीक दिखेगी, रूप वाली वस्तु, हर एक वस्तु नहीं, सामने भूत पिशाच आ जाए तो नहीं दिखाई पड़ेगी क्योंकि उनमें रूप नहीं होता है। तो ये जो वृक्ष आदि है सामने जो है, आपकी आँख ठीक है, आलोक है, प्रकाश है तो आपको ठीक ठीक दिख गया, और आलोक आदि नहीं है तो भले जो है वृक्ष में चौरो यम चौरो वा स्थाणुर वा, या चोर है अथवा स्थाणु है, ठूट है, वृक्ष है कि चोर है, इस तरह से आपको संशय हो सकता है। तो प्रमाण से यानी हमारा ठीक ठीक प्रमाण जो है, चक्षु भी ठीक हो, प्रकाश आदि हो तो आप ठीक से जाने। इसी प्रकार मन भी ठीक होना चाहिए, मन में राग द्वेष आदि ज़्यादा रहने से भ्रांति ज़्यादा होती है। जैसे जो व्यक्ति जिसके अंदर बहुत लोभ है वो सदा जो है उसको वही चीज़ दिखेगा, सदा जो है वो अपने फायदे ही दिखेगा, सोना चांदी की, उसके सुवर्ण चांदी की, रजत की जो भ्रांति उसे बहुत होगी। और जिसके अंदर बहुत भय है, सर्प की भ्रांति ये सब बहुत होगी, भूत की भ्रांति, कहीं थोड़ा सा पत्ता हिल गया अरे भूत है लगता है, कोई कोई इसलिए बहुत डरते हैं ना लोग, बहुत डरते हैं, अकेले नहीं रह पाएंगे, कई लोग ऐसे होते हैं को अकेले नहीं रह पाते, किनको अकेले कहीं किसी कमरे में रख दो तो चिल्ला के भाग के आ जाएंगे, बोले नहीं नहीं मैं वहाँ नहीं रह पाऊँगा, यानी कोई एक साथ में रहना भी चाहिए उनके साथ। तो क्या उनके अंदर भय भय बैठा हो इसलिए उनको भ्रांति होती कि हाँ भूत आ गया, कोई थोड़ा सा रात्रि में पत्ता हिल गया अरे भूत आ गया भूत आ गया। तो प्रमाण मतलब ठीक हो तो जो वस्तु जैसी है वो वैसा ही मालूम पड़ेगी, लेकिन अन्यथा त्वम भ्रमेण, उसकी विपरीत रूपता कैसे मालूम पड़ेगी, भ्रम से, भ्रांति से, भ्रांति से विपरीत रूप, वृक्ष को पुरुष समझ लिया, चोर समझ लिया, ये कैसे मालूम पड़ा, भ्रांति से। इति अयम न्याय सार्वलौकिक, ये जो न्याय है, युक्ति है, नियम है, ये सार्वलौकिक सभी लोक में सभी प्राणियों में प्रसिद्ध है। तो क्या सिद्ध हुआ, क्या बता दिए, जो वस्तु जैसी है ठीक ठीक प्रमाण से वैसी ही मालूम पड़ेगी, और विपरीत कैसे मालूम पड़ेगी, भ्रांति से। इसी प्रकार माया से देखो विपरीत ज्ञान हो रहा है, सद में आकाश नहीं हो, ज्ञान हो करके आकाश में सत्ता, ऐसा विपरीत ज्ञान हो रहा है। देख लीजिए टीका में, यद यथा यत सुक्ति आदि, जो सुक्ति आदि है, यथा यानी ये न सुक्तिकादि रूपेण वर्तते, जो सुक्तिकादि रूप से, सीपी आदि रूप से जो सुक्ति आदि विद्य वर्तमान है, तस्य तथा त्वम, उसमें वैसा ही मालूम पड़ना, ये सुक्त्यादि रूपत्वम, सुक्ति आदि रूपता, सीपी सीपी जैसा ही दिखे, कैसे मालूम पड़ेगा, प्रमाणता स्फुरति, प्रमाण ठीक प्रमाण है ना, ज्ञान का जो करण, प्रमाण यानी ज्ञान, यथार्थ ज्ञान का करण, प्रमा का जो करण है उसे कहते प्रमाण, चक्षु आदि तीन से जो है तद वो ठीक ठीक वैसा ही दिखेगा। और अन्यथात्वम, अन्य प्रकार से दिखना यानी रजत आदि रूपत्व, वही सीपी रजत रूप से दिखे, कैसे दिखेगा, तद भ्रमेण यानी भ्रांत्या प्रतिभाति, भ्रांति से ये भान होगा, ऐसे नहीं भान हो जाए, भ्रांति से ऐसा भान हो जाए। इति अयम न्याय सार सर्वलोक प्रसिद्ध, ये जो न्याय है, नियम है, सभी लोक में सभी प्राणियों में प्रसिद्ध है ना, सभी लोग जानते हैं ये बात को। तो आ मतलब यही है कि तीन प्रकार के दोष मानते हैं, प्रमात्रीगत दोष, प्रमाणगत दोष, प्रमेयगत दोष। प्रमाता में राग लोभ द्वेष ये सब ज्यादा हो तो भ्रांति ज्यादा होती है, और प्रमाण में दोष क्या है, चक्षु में कुछ चक्षु ठीक नहीं है, जिस व्यक्ति को मोतियाबिंद होता है
उसको चंद्रमा दो दिखता है, चंद्रमा दो दिख गया, ऐसे 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 आंख से ऐसे दबाने से थोड़ा कुछ प्रकाश आदि जैसे दिखता है। तो कुछ मतलब प्रमाण में भी दोष होगा तभी जो है होता है, और प्रमेय में दोष क्या, सादृश्य, जिसका भ्रम हो रहा है उसके जैसी वस्तु में ही वो भ्रम होता है। इस तरह से तो तीन प्रकार के दोषों को लेकर के वो भ्रांति हो जाती है। तो ये न्याय सार्वलौकिक सर्वलोक प्रसिद्ध है कि जो जैसा है भ्रांति से विपरीत दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार माया से आकाश में सत्ता ऐसा मालूम पड़ रहा है, जबकि होना चाहिए कि सद में आकाश, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ये प्रसिद्ध है, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।